प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था। तो साइटोस्केलेटन में हमने पढ़ा था कि तीन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। पहले हम रिकैप करेंगे कि हमने किन किन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। दीज वर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो सबसे पहले हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन एंड ऑल्सो देयर डायनेमिक इनस्टेबिलिटी। तो आज की वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। तो आज हम साइटोस्केलेटन में किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट द माइक्रोफिलामेंट्स। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स होते क्या। सो माइक्रोफिलामेंट्स आर कॉल्ड एज एक्सिल फिलामेंट्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोफिलामेंट्स का एक और नाम क्या होता है। सो माइक्रोफिलामेंट्स का एक और नाम होता है एक्टिन फिलामेंट्स, क्योंकि ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं? ये मिलकर बने हुए होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। ऑलराइट, सो दीज आर कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट्स एंड आर द पॉलीमर्स ऑफ द प्रोटीन एक्टिन दैट आर पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो ये किसके पॉलीमर होते हैं? एक्टिन के पॉलीमर होते हैं। दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ जी एक्टिन फॉर्म इंटू टू पैरेलल पॉलीमर्स। ये किसकी चेन होते हैं? जी एक्टिन की चेन होते हैं और ये दो पैरेलल पॉलीमर्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। सो दीज आर द स्मॉलेस्ट फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो जो तीनों कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा थिनेस्ट होते हैं या फिर सबसे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स का। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो जी एक्टिन होता है दैट इज द मोनोमर। जी एक्टिन क्या होता है? जी एक्टिन होता है मोनोमर। और जी एक्टिन का जो पॉलीमर बनता है उसको क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन। सो पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। जी एक्टिन का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोब्यूलर एक्टिन। और एफ एक्टिन का फुल फॉर्म क्या होता है? फिलामेंटस एक्टिन। तो बेसिकली होता क्या है, जो जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोमर होते हैं और जब वो पॉलीमराइज करते हैं, जब वो पॉलीमर फॉर्म करते हैं तो उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन। और इसी एफ एक्टिन की दो पैरेलल स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि क्या फॉर्म करती हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। सो आई होप दिस वाज क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर इन डिटेल। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स आर द पॉलीमर्स ऑफ एक्टिन, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एक्टिन फर्स्ट प्रोड्यूस एज जी एक्टिन। तो एक्टिन पहले कैसे प्रोड्यूस होता है? जी एक्टिन के फॉर्म में। कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ सबयूनिट्स ऑफ प्रोटीन एक्टिन इन अ स्पाइरल। और होता क्या है, ये जो जी एक्टिन होता है जब ये पॉलीमराइज करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन जो होता है वो हेलिकली पैरेललली अरेंज होकर क्या फॉर्म करता है? माइक्रोफिलामेंट्स। नाउ अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में, दैट व्हाट इज द डायमीटर। सो द डायमीटर ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स इज 7 नैनोमीटर। तो पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर कितना होता है? सो द आंसर इज 7 नैनोमीटर। ऑल्सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द थिनेस्ट। सबसे थिनेस्ट कौन से होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। नाउ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी कि माइक्रोफिलामेंट्स आर पोलर। अब पोलर वर्ड का मतलब क्या होता है? पोलर वर्ड आया है पोल से। ऑलराइट, तो दो पोल्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स में, सिमिलरली जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? पोलर होते हैं। मतलब उनमें भी क्या होते हैं? दो पोल्स या फिर दो एंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं प्लस एंड और दूसरे को बोलते हैं माइनस एंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट माइक्रोफिलामेंट्स आर टफ और फ्लेक्सिबल। तो इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और ये कैसे होते हैं? ये टफ भी होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, जहाँ हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसके होते हैं? जी एक्टिन के। और जब ये पॉलीमराइज होते हैं तो एफ एक्टिन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के बारे में जो भी पढ़ा था उसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पोलैरिटी के बारे में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक माइनस एंड प्रेजेंट है और यहाँ पर एक प्लस एंड प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर होता क्या है, जी एक्टिन पॉलीमराइज इंटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग फिलामेंटस एक्टिन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स होते
तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिएक्टिन क्या होता है, मोनोमर होता है और ये पॉलीमराइज करके पॉलीमर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं एफ एक्टिन या फिर फिलामेंटस एक्टिन। सिमिलरली और क्या होता है, यहाँ पर साइट्स प्रेजेंट होती है। अब किस किस की साइट प्रेजेंट होती है, एडीपी मॉलिक्यूल की भी साइट प्रेजेंट होती है और एटीपी। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स एंड देयर असेंबली। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जिएक्टिन होता है बेसिकली, जिसके बारे में हमने पढ़ा होगा, जिसको हम ट्यूबुलर एक्टिन बोलते हैं, वो कितने टाइप का होता है। So G-actin is also of three types. Now what are those three types? First one is alpha, second one is beta and third one is gamma. So here are three categories, kaun si hoti hai? Alpha, beta or gamma. Jisme se jo alpha wala G-actin hota hai, ye especially kaha present hota hai? Muscle cells mein. Now again this is a very important question. Ki jo alpha wala G-actin hota hai, wo kaha paya jata hai? Muscle cells mein. और ऑन दी अदर हैंड जो बीटा और गामा वाला जीएक्टिन होता है वो कहाँ पाया जाता है, नॉन मसल सेल्स में। कहाँ पाया जाता है, इन द नॉन मसल सेल्स। नाउ दिस इज अबाउट द जीएक्टिन। यहाँ पर क्या होती है, हमने पढ़ा था कि एटीपी और एडीपी बाइंडिंग साइट होती है और साथ में जब ये बाइंड करते हैं तो कौन सा आयन इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीशियम आयन। विच आयन इज इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाइंडिंग ऑफ द एटीपी और एडीपी टू द जीएक्टिन। ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है या कांसेप्ट जिसको हमें समझना है कि यहां पर जो दो एंड्स होते हैं प्लस एंड और माइनस एंड, तो इनकी कुछ और भी नाम होते हैं। जो प्लस एंड होता है उसको हम बार्ड एंड बोलते हैं और जो माइनस एंड होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंटेड एंड। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसको बार्ड एंड क्यों बोलते हैं और इसको पॉइंटेड एंड। तो होता क्या है, जो एटीपी बाइंडिंग की साइट होती है वो प्लस एंड में क्या होती है, नॉन एक्सपोज। हम देख सकते हैं जैसे कि ये हमारी एटीपी बाइंडिंग की साइट है और इस साइट को आगे वाले जीएक्टिन मॉलिक्यूल ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। सिमिलरली इस वाले जीएक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है इसको इसके आगे वाले मॉलिक्यूल ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। तो क्योंकि यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट कवर्ड है या फिर नॉन एक्सपोज है, यही रीजन होता है कि हम क्या बोलते हैं कि ये वाला जो एंड होता है दैट इज द बार्क एंड। ऑन द अदर हैंड अब हम चलते हैं माइनस एंड की तरफ। यहाँ पर जो एटीपी की साइट होती है ना, ये एक्सपोज्ड होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके आगे कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक्सपोज्ड होती है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटेड एंड। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाट आर द थ्री फेजेस ऑफ एक्टिन सिंथेसिस। कि जब भी एक्टिन की सिंथेसिस होती है तो वो किन किन फेजेस के थ्रू होती है। तो सबसे पहला जो फेज होता है उसका नाम क्या होता है, न्यूक्लिएशन फेज। क्या होता है, न्यूक्लिएशन फेज, जिसको हम लैग फेज भी बोलते हैं। अब हम इसको लैग फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, स्लो वर्ड के लिए हम बोलते हैं ना लैग, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लैग फेज, बिकॉज इट इज़ द स्लोएस्ट ऑफ ऑल द थ्री फेजेस। और इस फेज में मेनली क्या होता है, असेंबली टू फॉर्म द ऑलिगोमर्स। इसमें हमारे जो जीएक्टिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो असेंबल करते हैं और वो डायरेक्टली पॉलीमर फॉर्म नहीं करते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑलिगोमर। नाउ व्हाट इज ऑलिगोमर, जब पॉलीमर की पहले वाली स्टेज होती है जिसमें सिर्फ 3 से लेकर के 10 मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं ऑलिगोमर। और अगर 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। नेक्स्ट फेज होता है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फेज, जो कि क्या होता है, बहुत ही फास्ट फेज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज। ऑलराइट, इसके बाद जो थर्ड फेज आता है दैट इज द स्टेडी फेज। स्टेडी फेज में क्या होता है, इसमें रिमूवल होता है जी एक्टिन का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एफ एक्टिन होता है, इनकी कंटिन्यूसली असेंबली भी होती रहती है और डिसअसेंबली भी। ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, डायनेमिक स्ट्रक्चर। डायनेमिक में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। तो यही फेज होता है स्टेडी फेज, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, रिमूवल होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा एक्सपोनेंशियल फेज है ना, इस फेज में जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स की जितनी कंसंट्रेशन होती है, जितनी भी कंसंट्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल स्टेडी फेज में, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम मानते हैं कि 10 मॉलिक्यूल्स जीएक्टिन के सिंथेसिस होते हैं, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच कैन ऑल्सो कम इन द एग्जाम, दैट इज द
स्ट्रक्चर भी पढ़ा, हमने असेंबली भी पढ़ी, अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं सेल में। सो द फर्स्ट फंक्शन इज साइटोकाइनेसिस। नाउ व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? मे बी यू हैव रेड अर्लियर, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल, और काइनेसिस फॉर फॉर्मेशन। तो साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस होती है सेल डिवीजन के अंदर, ओके? सेल डिवीजन के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? माइक्रोफिलामेंट का। नेक्स्ट इज सेल मोटिलिटी, या फिर सेल की मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज चेंजेस इन द सेल शेप। तो सेल के शेप में जो भी चेंजेस आते हैं वो भी किसकी वजह से आते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। ऑलराइट, एंड द लास्ट फंक्शन इज मैकेनिकल स्टेबिलिटी। तो सेल को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, एक स्थिरता प्रोवाइड करना।